दिल्लीर भारत मंडपम ठारे भारत टेक्स 2024 को उद्घाटन करिछंति प्रधानमंत्री मोदी। यह देशर वर्तमान सर्वबृहत टेक्सटाइल इवेंट आसंतु नजर पकाइबा। और बड़ी बीथ वाली उसने कपड़ा बनाना शुरू किया और उस पर पेंटिंग भी उन लोगों को जैसे रंग भांति भांति के कलर चाहिए थे उसने किया। आपको हैरान होगा अफ्रीका के मार्केट में उसका कपड़ा बहुत पसंद क्योंकि बीच में सिलाई की जरूरत नहीं थी, एक जगह पर सिर्फ सिलाई कर दी उसके कपड़े बन जाते थे। अब ये थोड़ी रिसर्च करें। मैं अभी एक एग्जीबिशन देख रहा था, मैंने कहा दुनिया में पूरे यूरोप में जिप्सी समाज बिखरा हुआ है। आप अगर जिप्सी के लोग जो कपड़े पहनते उसको बारीकी से देखेंगे तो हमारे यहां नेचुरल कोर्स में जो पहाड़ों में पहने जाने वाले कपड़े हैं या हमारे यहां राजस्थान के गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में करीब करीब उससे मिलते जुलते हैं, उनके कलर की चॉइस भी वैसे ही है। क्या कभी किसी ने कोशिश करके जिप्सी लोगों की रिक्वायरमेंट के अनुसार कपड़े बना करके बहुत बड़े मार्केट को कैप्चर करने के लिए सोचा है क्या? ये मैं बिना रॉयल्टी एडवाइस दे रहा हूं। हमने सोचना चाहिए, दुनिया को इन चीजों की जरूरत है। क्या हमारे यहां, अब मैंने देखा कि इसमें केमिकल वाले नहीं है इस पूरे एग्जीबिशन में, मुझे बताइए कोई भी कपड़ा केमिकल वालों की मदद के बिना बाजार में काम आएगा क्या? लेकिन आपकी सप्लाई चेन में केमिकल वाला नहीं है। अच्छा होता वो भी होता और कंपटीशन हो कि नेचुरल कलर कौन प्रोवाइड करता है, वेजिटेबल से बने हुए कलर कौन प्रोवाइड करता है और हम दुनिया को उसका मार्केट कर, हमारी खादी में दुनिया में जाने की ताकत पड़ी है जी। लेकिन हम आजादी के आंदोलन या नेताजी लोगों के चुनाव का ड्रेस कोड वहीं तक सीमित कर दिया खादी को। मुझे याद है 2003 में मैंने एक बहुत बड़ा पराक्रम किया था। पराक्रम में कह रहा हूं कि मैं जिस लोगों के बीच में रहा हूं और जिस बैकग्राउंड में जिया हूं इसको पराक्रम ही कहा जाए। 2003 में पोरबंदर में 2 अक्टूबर को मैंने फैशन शो किया। अब हमारे देश में आज भी कहीं फैशन शो करो तो 4-6 लोग तो झंडा लेकर के विरोध करने के लिए आ जाते हैं। 2003 में क्या हाल होगा आप कल्पना कर सकते हैं। और मैंने गुजरात के इंस्टीट्यूट ऑफ एनआईडी के जो लड़के थे उनको थोड़ा समझाया, मैंने कहा मुझे 2 अक्टूबर को ये खादी जो नेताओं का कपड़े है ना उसमें से बाहर निकालना है, ये सामान्य जनता के कपड़ों में मुझे बदलाव लाना है। थोड़ी मेहनत की और मैंने गांधीयन विनोबा जी के साथ काम करने वाले सारे गांधीयन लोगों को बुलाया, मैंने कहा बैठो यहाँ। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।